ऐसा कोई भी ओनर नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं इस गाड़ी को लेके परेशान हो गया हूँ। जब अनुमेश का जो है मेल आया था ना हमारे पास, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि मैं रोहित सर की तरह खींच के चलाता हूँ। इसमें जो इसका मालिक है वो खुला चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। आ जाओ भाई, तुम्हारी तुम्हारी गाड़ी में कितना दम है दिखा लो आप। बेल्ट ही लगाई थी क्या? ऐसी गाड़ियों के वीडियो बनाने में काफी खुशी होती है हमें, ठीक है, और इनको खरीद के चलाने वाले जितने भी कस्टमर होते हैं उनको भी काफ़ी खुशी होती है। उनको और अच्छा तब लगता है जब वो अपनी खुशी को आप लोगों के सामने जाहिर कर पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपस में बातचीत हो रही थी, तो इनका नेचर हमें उस टाइप का लगा कि उन्हें इस टाइप की ही गाड़ी पसंद आएगी, ठीक है। ये सारे उस टाइप की नेचर वाले ज़्यादातर फ्री स्टाइल की तरफ ही जाते हैं। और वैसे खुशी लेने के लिए हम फिलहाल नोएडा के अंदर आए हुए हैं। ग्रेटर नोएडा है बेटा, ग्रेटर भी लगा देना भाई, एक ही बात है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुमेश, और आपकी फ्री स्टाइल पेट्रोल को आपको खरीदे हुए कितना टाइम हो गया है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप दोनों का कि मेरे मेल पे आपने रिप्लाई किया। ये गाड़ी मैंने खरीदी थी 19 अगस्त 2018 को। अच्छा, हाँ जी। तो बेसिकली अभी 2 साल हो चुके हैं इसको, और मैं तो बड़ा खुश हूँ अपनी गाड़ी से। हाँ, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने सोच के ली थी, मुझे जो जो चाहिए वो सब इस गाड़ी में है। अनुमेश ने पहले बताया था कि इससे पहले उन्होंने, वैसे तो इनके घर में वैगनार थी, इनके दोस्त के पास पोलो थी, तो पोलो चलाने में बहुत ही मज़ा आता था इनको, तो उसी हिसाब से इन्होंने जो है इस गाड़ी को सेलेक्ट किया। पोलो जैसी तो नहीं है, उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा बिल्कुल। लेकिन मिस अभी भी करते हैं किसको, डीजल वेरियंट को। कह रहे कि काश मैं उस टाइम डीजल ले लेता तो। हालांकि चलाई इन्होंने 15,115 ही है, अभी मैंने मीटर देख लिया था, लेकिन इन्होंने कह रहे हैं कि काफ़ी मेरे पैसे खर्च हो गए हैं क्योंकि माइलेज इतने अच्छा नहीं निकालती है। कितना देती है ये? बेसिकली डिपेंड करता है कि आप खींच के चलाने वाले बंदे हैं या रुक के चलाने वाले बंदे हैं, बट अगर कोई ज़्यादा भी प्यार से चलाएगा तो 12-13 से ज़्यादा तो सिटी में नहीं निकाल सकता इसमें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है और एक एक्सपर्ट एडवाइस की भी जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ जरूरत पड़ती है एक डीमैट अकाउंट की भी। तो आप मोतीलाल ओसवाल का प्लेटफॉर्म यूज करके आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई, ट्रस्टेड तो इस कंपनी को ऐसे बोल सकते हैं कि 30 साल पुरानी कंपनी है, लगभग 16 लाख प्लस इसके यूजर्स है। इसमें शुरुआत करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड चाहिएगा, पैन कार्ड चाहिएगा और आपका कुछ बैंक का प्रूफ चाहिएगा। और जैसे ही आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा जो कि आपको सलाह देगा और आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करेगा, और साथ ही साथ आपको बताएगा कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और कौन सा बेचना है। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की एक मोबाइल ऐप भी है जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भेजती रहेगी और रिसेंटली जो भी घटित हो रहा है वो अपडेट्स भी आते रहेंगे। अकाउंट बनाते ही आपको 25,000 की जो है वेलकम बास्केट मिलती है इसमें, और इसमें जो सारे AI टूल्स जो है वो फ्री होते हैं आपके लिए। 3,000 रुपए का आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं, 1,000 रुपए की आपको ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पर अपनी सारी डिटेल्स को फिल करके डीमैट अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं बड़ी आसानी से। और हाईवे पे मैंने 20 निकाला था, फिर भी एक बार मैं अपने को रोक के चलाया था। अच्छा। नहीं तो अगर अपने मन से चलाऊं तो 14-15 का रहता है। अच्छा। पर उस मन से मैं आप खुश हो जाते हो क्योंकि 120-150 नहीं चलानी चाहिए ज़्यादा, बट चली जाती है। कई लोग ग्रैंड आइटन नियोस प्रिफर करते हैं इस बजट में, कई लोग i20 पे भी जाते हैं, कई लोग जो है बलेनो पे भी जाते हैं क्योंकि ये 4 मीटर में है, सब 4 मीटर में है। तो किन बंदों को ये गाड़ी चुननी चाहिए, इसकी खासियतें क्या क्या है? हाँ जी, सबसे पहले तो मेरे पास भी ये डिलेमा था कि जब मेरे को गाड़ी लेनी थी, बट मैं क्लियर था अपने माइंड में क्योंकि मारुति ओन कर चुका था, मारुति की हर गाड़ी लगभग चला चुका था। तो स्विफ्ट डीजल मॉडल बहुत अच्छी लगती थी मुझे, बहुत स्टेबल सब कुछ, लेकिन मारुति में जाके उनकी सर्विस कॉस्ट रिलायबल नहीं लगता मुझे मारुति का हिसाब किताब। और मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, उसके बाद से तो मेरे को बहुत प्यार था अपनी गाड़ी से, मैंने बेचती थी वो। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, i20 मैंने चला रखी थी जैसे मैं आपसे बता रहा था, उसे चलाने में मज़ा नहीं आता। हाँ, बैठ के प्रीमियम लगता है, महंगे रईस आदमी हो आप, लेकिन क्या बोलते हैं, उसे चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता।
ग्रैंड आई टेन मुझे इसके लेवल की नहीं लगती, इससे एक सेगमेंट कम लगती है। आप एक बार इसको चला के देखो, इसमें बैठ के सो महसूस होता है, पोलो वाली फील नहीं है, पोलो टैंक लगता है। पोलो और फीएट की गाड़ी तो बिल्कुल टैंक ही है वो, लेकिन क्या बोलते हैं, अगर उनसे थोड़ा सा हो जाओ तो पोलो में इतना स्पेस नहीं है। कई सारी चीज़ें देख के बेस्ट प्रोडक्ट ये था, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ये था, और 7 लाख के अंदर मेरे को ये गाड़ी पड़ी, और कोई गाड़ी ऐसी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते थे। तो फैमिली मेंबर्स को रियर सीट में वो स्पेस और कंफर्ट मिल रहा है, क्योंकि पहले इनके पास वैगनार थी, वैगनार में अच्छा खासा स्पेस है, कंफर्ट होना हो अलग बात है। तो फैमिली की कोई शिकायत तो नहीं है पीछे? यहाँ मैं लकी हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में कोई 5-2 से ऊपर लेडीज है नहीं तो उनके लिए बहुत अच्छी रहती हैं सीटें, कोई दिक्कत नहीं, थाई वाई सपोर्ट सब अच्छा रहता है। अगर कोई लंबा बंदा हो तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा इशू हो सकता है स्पेस का, लेकिन वैसे नहीं है। इनफैक्ट पोलो में जो मैं अपने दोस्त को देखता हूँ वो रोता है क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं पीछे जगह। प्रैक्टिकल कितना यूज, मतलब कहीं आप लेके गए हो पहाड़ों में भी थोड़ी सी ऑफ राइडिंग वगैरह करी है या वो सारी चीज़ें हैं, कहीं लगा आपको कि हाँ यार सही है प्रोडक्ट? तो ये अभी मैं जनवरी में लेके गया था, तो मैं और मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि जैसे मैं स्टेयरिंग ओढ़ रहा हूँ वैसे स्टेयरिंग ओढ़ रहा है, और रोड ऐसी होती है कि इधर से भी आता है इधर से भी, तो मैं इधर चल रहा था और मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, चलाओ भाई इसको छेड़ना नहीं, ठीक है? तो मैं बड़े मज़े से चला रहा था, एकदम से देखा पुलिस वालों ने आगे रोक लिया, ठीक है? तो मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा सर कोई VIP आ रहा है क्या, आप चेकिंग कर रहे हो, मेरी चेकिंग वेकिंग करने लग गए सारे। तो बोलते हैं नहीं नहीं सर आप थोड़ा तेज़ चला रहे थे। तो फिर मैंने कहा वो थोड़ा UP नंबर देख के उन्हें लगता है कि बाहर से कोई आया एक्सीडेंट ना हो जाए ऐसे चला रहा है। तो फिर मेरा नाम पढ़ा उन्होंने दोबारा, उन्होंने कहा अच्छा आप यहीं के हो, हाँ ठीक है। तो इतना मज़ा आता है इसे पहाड़ों में चलाने में, मतलब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी, और मुझे सबसे ज़्यादा एक गाड़ी में यही चाहिए कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए गाड़ी में। मैं ये नहीं कहता कि तेज़ चलाओ ही चलाओ, लेकिन अगर कभी चलानी पड़े तो धोखा ना दे जाए गाड़ी। मेरे को पुराने वाले बंदे याद आ रहे हैं जो कि जयपुर के अंदर मिले थे, वो नदी पार करते थे भाई उससे और भाई भी जिस एक्साइटमेंट में बता रहे हैं ना चीज़ें, तो उससे पता चल जाता है कि प्रोडक्ट को लेकर के कितना खुश हैं यार वो, ठीक है? तो ये चीज़ है, मैंने भी देखी थी उन नदी वाली वीडियो, नदी ढूंढ रहा हूँ कहीं क्योंकि फोर्ड की गाड़ियों की वाटर वेटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है। तो आपको कब ऐसा लगा कि मेरे पास डीजल होती तो ज़्यादा अच्छा होता, पेट्रोल पंप में? नहीं नहीं, ये जैसे अभी i20 के वीडियो में आप लोग बता रहे थे रईस महसूस करवाती है गाड़ी थोड़ा गरीब भी फील करता है और हाँ टैंक फुल कर दो मैं स्विफ्ट डीजल को आपको कह रहा था कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है चलने में, मतलब मेरे को बहुत पसंद थी पर्सनली वो वाली पहले वाली जो डीजल थी। तो पेट्रोल और डीजल में एक फर्क होता है कि क्या बोलते हैं, शुरू का पिकअप तो पेट्रोल का तेज़ होता है, लेकिन बाद में या तो आपके भरे हैं लोग या फिर आप 100-150-160 के बाद वो पुल नहीं लगता जो एक टॉर्की इंजन में लगता है, वो उसमें लगता था। उसमें क्या बोलते हैं 160 पे भी पैर रखते ही फुर्र आगे जाती थी गाड़ी, इसमें थोड़ा सा लैग लगता है, पेट्रोल अपना उसी स्पीड में चलेगा तो तब लगता है कभी कभी कि डीजल। फिर भी उसके मुकाबले बाकी जैसे गाड़ियाँ पीछे टिगोर खड़ी हुई है और काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ हैं उससे तो काफ़ी अच्छा पंच मिलता है, इवन स्विफ्ट में भी अच्छा मिलता है पंच, लेकिन उसके कुछ और रीजंस हैं, ठीक है वो आप सभी को पता है लेकिन इसमें सब कुछ होने के बावजूद, वेट वगैरह होने के बावजूद, इसका जो पावर आउटपुट है वो भी अच्छा खासा है, 96 BHP का। यार भाई डीजल नहीं चला करके देखिए, ठीक है इसकी एक्चुअली ये गाड़ी, मैं वैसे नोएडा के रहने वाला हूँ बट मैं दिल्ली गया हुआ था, मुझे ऐसा था कि खुदाई चल रही थी घर के आगे तो 3-4 महीने बाद गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन मैं एक रिश्तेदार के आ गया ऐसा बैठा हुआ था बिना गाड़ी के, ऐसा टाइम पास चलो देख के आ जाते हैं गाड़ी, वहाँ बुक करके आ गया। अब मैंने उनको बोला ये गाड़ी क्योंकि चौड़ी थी तो मैंने आपको बताया मेरे यहाँ लगाने का स्पेस नहीं है, तो मैंने उनको कहा एक बार आप गाड़ी दीजिएगा मुझे कि मैं लगा के देखूँ अपने घर के आगे कि ये लगती है कि नहीं। तो उस टाइम पेट्रोल की गाड़ी नहीं थी, उन्होंने कहा डीजल ले जाओ, तो जब डीजल पे फ्लाईओवर पे पैर रखा ओहो हो मक्खन देने की जरूरत नहीं, एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं, गाड़ी अपने आप ही बढ़े जा रही है, तो खुशी तो बहुत हुई थी लेकिन प्रोसीजर सारे कर लिए थे। फिर 1 किलोमीटर दूर ऑफिस था मैंने कहा, और 15 साल वाला वो भी था, तो मेरे को पैसे का कितना अंतर था, पैसे के लाख रुपए का लगभग अंतर था। अब ये अंतर वैसे थोड़ा सा और बढ़ गया है, अब तो और ज़्यादा मलाल होगा लोगों को, है ना? कोई जैसे नई फ्री स्टाइल देख रहा है तो एक बार सेकेंड हैंड मार्केट में भी देख लें, डीजल क्या पता मिल जाए। कई लोग ऐसे टकराए हैं जिन्होंने नई गाड़ी नहीं लेकर पेट्रोल में पुरानी और डीजल ले लिए फ्री स्टाइल, और अगर टकरा जाए तो चुपचाप हमें बता देना छुपा के मत रखना। इनफैक्ट मैं इतने टाइम से गाड़ी ओनर, मतलब काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाई है, दोस्तों के साथ उनकी गाड़ी पे भी काम करवाने ले जाता था, मार्केट वार्केट सारा पता है, तो इसमें मैंने कुछ एक्सेसरीज भी लगाई थी जो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है गाड़ियों में होने चाहिए।
अगर आप नोएडा NCR में कभी पेपर खोल के पड़ा हो तो कई बार नई गाड़ियाँ ईंटों पे खड़ी मिलती हैं, तो उसके लिए एंटी थेफ्ट लग नट्स भी मैंने इसमें लगा रखे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। एंड गाड़ी में कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं, जैसे क्या बोलते हैं इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, वैसे हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हिल होल्ड की ज़रूर रिक्वायरमेंट, क्योंकि पहले हम ऐसे पार्किंग से निकलते थे तो ऐसे गियर खींच हैंड ब्रेक खींच के चढ़ते थे, उसकी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो जब पहली बार मैंने फीचर देखा था मैं थोड़ा खुशी में, बहुत महंगी गाड़ी ले ली मैंने और थोड़ा एम्बियंट लाइटिंग और वो सब, मतलब गाड़ी पूरी आती है। दो तीन चीज़ें हैं जो कंपनी इसमें नहीं देती, तो ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं अगर दे देती तो, बट पता नहीं अगर प्रैक्टिकलिटी वाइज देखो तो DRL का दिन में लाइट जलाने का मुझे थोड़ा सुंदर लगती है, बट इतना मुझे प्रैक्टिकल वो समझ नहीं आता उसका। आज के दिन की कीमत बढ़ चुकी है क्या इसकी? 7 लाख ऑन रोड पड़ी थी ना अब। हाँ, अभी फोर्ड की सारी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ी हैं। अभी कितना अंतर आ गया होगा? 50-60 खोल के देख ले। 2 साल पहले तो क्या बोलते हैं 15 इंच के व्हील्स आ रहे हैं, लॉयज अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, और स्टार्ट स्टॉप ये सब तो गिमिकी फीचर्स हैं, हम चाबी लगा के भी उतना ही टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। और म्यूज़िक भी मतलब इतना कोई वो है नहीं, आप कहीं से भी लगवा सकते हो, लेकिन कुछ कुछ इनहेरेंट फीचर्स होते हैं गाड़ी में जो नहीं मिलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी आप चला के देखो, किसी को भी लेनी है एक बार चला के देखो, जी खुश हो जाता है। मैं एक बात बताओ यार, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा कम हैं, लोग क्यों छोड़ देते हैं इस गाड़ी को? देखो मैंने वही कहा ना, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो फंक्शन ओवर फॉर्म देखते हैं, एक जो फॉर्म ओवर फंक्शन देखते हैं। जैसे i20 की बात है, बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, अच्छा महसूस कराती है, लेकिन कभी ढंग से चला के देखो, इंजन बहुत शांत है लेकिन वो नहीं है। फिर सबकी नीड भी अलग अलग है, लोग सोचते हैं कि उतने पैसे में हमें प्रोजेक्टर भी मिल रहे हैं, हमें DRL भी मिल रहे हैं, और लोग रीसेल की पहले सोच लेते हैं गाड़ी वो करने से पहले, खरीदने से पहले। मेरे को ऐसा है कि जब तक रखनी है तब तक तो मज़ा आना चाहिए, रीसेल तो बात की बात है, और एक सेफ भी होनी चाहिए गाड़ी। सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है आपकी? सर्विस कॉस्ट इसकी बहुत कम है, मतलब मारुति में से डबल वैगनर के देख आता था। बार बार इनसे नेचुरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही जवाब आ रहे हैं जो हमें तो पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए चीज, ठीक है। तो इसकी फिर भी हाँ, इसकी 3500 मुश्किल से कभी 3800 इस टाइप की सर्विस कॉस्ट आती है, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है वहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि सुनी जाती है। अब शायद वॉल्यूम कम है इसलिए, लेकिन अगर आप नोएडा के देखें, गौतम बुद्ध फोर्ड है नोएडा में, वहाँ पे बहुत वॉल्यूम रहता है, फोर्ड के इतने नहीं है, मारुति तो आपको हर सेक्टर में मिल जाएंगे, फोर्ड का एक ही है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, लेकिन वहाँ पे सुनी जाती है तो अच्छा लगता है एक बार को। जैसे हमने वैगनार में देखा था, मैं तो 8 साल वैगनार रखी, मैं बहुत परेशान हो गया था, कभी कुछ इशू कभी कुछ, वहाँ से सर्विस होके आ रही है गाड़ी और एकदम धुआं निकल गया गाड़ी में, बोला हमने वो डेटा केवल पता नहीं क्या होती है वो नहीं लगाई और सारा वो निकल गया कूलेंट रस्ते में, मैं डर गया गाड़ी ने आग पकड़ ली। तो ऐसे ऐसे बहुत इश्यूज हुए। अभी तक इस गाड़ी में रैटलिंग वगैरह ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है आपको? रैटलिंग कोई नहीं है इसमें, इसमें एक आध चीज़ हुई थी, जैसे क्या बोलते हैं सर्दी में थोड़ा सा ये चूचू कर रहे थे उतरते टाइम, जब ब्रेकर से उतरे तो उन्होंने सिर्फ इसमें वो लगा दी थी ग्रीस, उन्होंने कहा सर्दियों में थोड़ा सूख जाता है, तो अभी तक तो मुझे उसके बाद दोबारा लगी नहीं। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ सर्दियों में होती है ये चीज़ कि यहाँ पे थोड़ा सा अभी नहीं है, मेरे ख्याल से सिर्फ सर्दियों में ही ये होता है। सर्दी आएंगी तब होगा, सर्दी अभी नहीं आई है। इनफैक्ट मैंने तो इसमें मतलब अलग से म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा वाला, तो थोड़ा डैम्पिंग वैम्पिंग भी करवा रखी है। अच्छा, तो मेरे को ऐसा। हाँ, ये थी तारीफें और नेगेटिव जानने की कोशिश करते हैं कि क्या और इसमें अच्छा हो सकता था। नेगेटिव क्या मतलब, आपको रईस फील करा रही है इससे ज़्यादा क्या? तो एक तो एवरेज बढ़िया होनी चाहिए, एवरेज बढ़िया होनी चाहिए थी इसकी, क्योंकि कैसे पॉसिबल है यार? हैं, तुम्हें दारू भी पीनी है और तुम चाहते हो मेरे लीवर भी खराब ना हो, हैं? तो बड़ा ही भारी एग्जाम्पल। इनफैक्ट तो सेफ्टी के साथ और आपको मज़ा भी चाहिए और आपको एवरेज भी चाहिए, तो सब कुछ तो नहीं मिलता। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में? उसके अलावा गाड़ी में मेरे को हल्का बहुत, अब पता नहीं रात में, जैसे यहाँ दिल्ली NCR में तो लाइट्स जली रहती है स्ट्रीट पे, मैं एक आध बार जैसे ऐसे गया था जैसे हाईवे पे जाता था तो सामने की बीम पड़ती थी तो मुझे इतना दिखता नहीं था, तो मैंने हेडलैम्प्स इसके थोड़े वो हेडबल्ब्स चेंज कराए थे, फिलिप्स के एक्सट्रीम विजन डलवाए थे। कम थी पहले अभी? हाँ, थोड़ा सा मुझे लगती थी लाइट कम, बाकी तो सब सही है। डिक्की थोड़ी सी बड़ी हो जाती तो अच्छा था, लेकिन हम अब जब हमें पता है कि हमारे पास गाड़ी है तो हम उसे साफ से ही ठूसते हैं सामान। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं और सारी बातें बैठे बैठे ही करेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हुंडई की गाड़ी चलाई थी ग्रैंड आइटन, उसकी और इसकी रिफाइनमेंट में ज़मीन और आसमान का अंतर है और साफ पता चलता है कि 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन जो चलाने में इसको मज़े आते हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं, ये आप लोगों को पता ही है। तो वो थोड़े से मज़े हम अब जो है हम लेने वाले हैं थोड़ी देर में। मेरा आज कैमरामैन जो है नखरे ज़्यादा कर रहा है। ऊपर कर ले।
क्या कह रहा है बेटी। वैसे और 1.2 लीटर की गाड़ियां देखो, अगर हम स्विफ्ट को और बलेनो को साइड कर देते हैं, और उसे बहुत अच्छा इन गियर एक्सेलेरेशन है इस गाड़ी का, खींचती है ये, और इसका एग्जॉस्ट भी बहुत छोटी है, नॉइजी भी कह सकते हैं। नहीं, जब ये गाड़ी आई थी तो उन्होंने ये कह के वो बोला था, एंड इनफैक्ट अगर आप सुने तो जो म्यूजिक बंद करके चलाते हैं सिर्फ गाड़ी की आवाज सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, कितने रुपए खर्च करे उन्होंने? किसमें? 7 लाख इस पे। हाँ जी। कैसे दे देगी एवरेज यार ये? इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है इसका, अगर लो आरपीएम की मैं बात करूँ, 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी एक झटका मार दिया है यूं करके, आप नोटिस करोगे अगर आप टेस्ट ड्राइव लोगे कभी इसकी तो। और साथ ही साथ जो है गाड़ी के आगे से आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉइज़ भी आएगी, उसको आप स्पोर्टीनेस बोल दो इसकी, या फिर अच्छा मतलब ग्रंड कह लो इसको, ठीक है। बट ये जिसको अगर अच्छी लगती है उसको अच्छी लगेगी, जिसको नहीं लगती है उसके लिए नॉइज है, हम दोनों तरह से बता रहे हैं। वैसे अभी जैसे मैं इनका MID चेक कर रहा था तो इसमें जो एवरेज स्पीड थी वो 20 की दिखा रहा था, मतलब कि ये बहुत ही मतलब ट्रैफिक वाले इलाके में चलते हैं, 1600 किलोमीटर की ट्रिप थी और 20 की एवरेज स्पीड थी उसमें, MID में 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर जो है शो कर रहा था, तो मतलब उस हिसाब से उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है एवरेज। मैं यहाँ पर अगर कहना चाहूँ रेफरेंस देने के लिए, i20 से ही अच्छा एवरेज निकालती है और मज़ा भी ज़्यादा आता है, ये सुन के खुशी मुझे। सारी आवाज़ नीचे नीचे आ रही है, फील नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है टाइल्स वाली रोड है। बेल्ट ही लगाई थी क्या? मजा आ गया। चले इधर की खिड़की से बाहर बैठे तो भाई सोचते हैं गाड़ी लेके टिगोर देंगे। जब अनुमेश का जो है मेल आया था ना हमारे पास, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि मैं रोहित सर की तरह खींच के चलाता हूँ, और फ्री स्टाइल वाले जो बंदे होते हैं उनका नेचर शायद पहले हो ना हो लेकिन बाद में हो ऐसा जाता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल। वैगनार भी खींच के चलाते थे क्या? बहुत खींच के। सेकंड हैंड अगर आपको मिल जाए तो उठा लेना, भले ही पेट्रोल में भी क्यों ना, लेकिन अगर जिनको माइलेज चाहिए वो मत लेना, ठीक है। और सेकंड हैंड के अंदर थोड़ा सा सस्ते में भी मिल जाएंगी, क्योंकि जिन्होंने माइलेज का सोच के ये गाड़ी ले ली थी वो जल्दी इसको छोड़ देंगे। रीजनेबल मिलता है, उतना ज्यादा कम नहीं, तुम्हें मजा देके जाती है, 4 रुपए फालतू ले लो लेकिन मजा दे दो, और सेफ्टी भी ना हो क्या करना है, माइलेज कर। कोई ज्यादा आपको बॉडी रोल वगैरह मिलेगा नहीं, थोड़ा सा जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा दे दी तो वो कुछ ज्यादा ही अपडप हो जाती है, तो वाला हिसाब भी मिलेगा नहीं, मतलब अपने नाम को जो है पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है गाड़ी, ठीक है। आप इसको फ्री स्टाइल है कैसे भी चलाओ, शहर में भी मजा देगी, ठीक है, पहाड़ों पे भी मजा देगी, कीचड़ में भी मजा देगी, रेगिस्तान में भी मजा देगी। अगर आपको चाहिए कि आपकी हैचबैक हो, प्रीमियम हैचबैक, और उसमें जबरदस्त वाले सस्पेंशन हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, फ्री स्टाइल। पहले एक्टिवा आया करती थी और ये लीवा क्रॉस आया करती थी, इटियोस लीवा क्रॉस वाली टाइप की जो गाड़ियां हैं ना वो ठीक ही थी यार, उन्होंने बड़े मन करके निकाली थी। तो ये था बात बातों में, सारी चीजें आपको बता दी कि ये कैसी गाड़ी है, ठीक है। आप लोगों को पहले भी हमने बताया था कि किस टाइप की गाड़ी है, और बड़ी खुश हैं ओनर, ये भी खुश हैं, पहले वाले भी खुश थे, और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह जो है उनको भी बहुत कम पड़ रही थी, इनको भी काफी कम पड़। ऐसा कोई ओनर नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं इस गाड़ी को लेकर परेशान हो गया हूँ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, इसी मैसेज के साथ कि अगर 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2-व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन लेना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच ब्रदर, आप लेकर के आए अपनी गाड़ी, और ऐसे ही फन करते रहिए इसके साथ, ठीक है, लेकिन गाड़ी सेफली जो है वो चलाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।